तालिबान के 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां के नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समूह के मन में लोगों के अधिकारों का दमन होने का डर है। इस डर को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सच करता दिखा रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि तालिबान ने नाटो सेनाओं और अफगान सरकार के साथ काम कर चुके लोगों की तलाश तेज कर दी है। इसमें बताया गया है कि चरमपंथी एक एक घर में जाकर तलाशी ले रहे हैं और परिवार वालों को धमका रहे हैं। तालिबान के इस तलाशी अभियान की रिपोर्ट नॉर्वे स्थित आरएचआई पीटीओ ने तैयार की है। ये समूह संयुक्त राष्ट्र को खुफिया जानकारी प्रदान करता है। इसके प्रमुख क्रिश्चियन नेलेमन ने बीबीसी को बताया कि तालिबान बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर मंडराता खतरा साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ तालिबान पिछले समय से ही ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। उसने ये भी कहा कि लड़ाकों को निजी घरों में जाने से रोका जा रहा है और साथ ही महिला पत्रकारों को उनके शासन में डरने की जरूरत नहीं है। वीरवार को तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाए जाने का ऐलान किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में ये ऐलान किया। प्रवक्ता ने साथ ही उन रिपोर्ट को भी खारिज किया जिसमें देशों के साथ व्यापार न करने जैसी खबर दी गई थी। मुजाहिद ने इसे महज अफवाह बताया और साथ ही कहा कि वो सभी देशों के साथ बेहतर राजनयिक और व्यापार संबंध चाहते हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालातों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दिख रही है। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थितियों को लेकर आज नाटो में आपातकालीन बैठक की जाने वाली है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों से आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।